सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। आज मैं जगदम्बा सुपर बाइक से बाहर से जा रहा था, और जब मैं बाहर से जा रहा था तो ऐसी हरियाली खड़ी मिली मुझे। हरियाली से मेरा मतलब है हरी रंग की बाइक है, यानी कावासाकी की। काफ़ी अच्छा स्टॉक मतलब खड़ा हुआ है। तो आइए मतलब जानते हैं इनके बारे में कि मतलब क्या क्या आज इनके यहाँ पे 10R खड़ी हुई है, 1000 खड़ी हुई है, 900 खड़ी हुई है। तो मतलब काफ़ी अच्छा स्टॉक लगाया यार आज। मतलब पूछ ही लें कि मतलब कैसा क्या दाम चल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो आज जगदम्बा सुपर बाइक पर पूछ लेते हैं। तारिक भाई बड़ा अच्छा स्टॉक लगाया हुआ है यार। ख्याल मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब बहुत अच्छा स्टॉक सा लगाया हुआ आज तो कावासाकी का। तो क्या क्या है यार, थोड़ा व्यूअर्स को बताओ इनके बारे में। आज कावासाकी का पूरा स्टॉक लिया है, बस एडवेंचर की कमी है, एडवेंचर भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अरे वो तो आती रहती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। मतलब कंडीशन जो मतलब अभी मैं यहीं से गुजर रहा था, कंडीशन देखी यार गाड़ियों की, 10R है, 1000 है और Z900 है। बस क्या मतलब करना क्या चाह रहे हो कावासाकी से आज? अभी तो ये कावासाकी है, अभी हार्लेस भी बहुत सारी है, हार्लेस भी अंदर खड़ी है, अभी दिखाते हैं आपको। तो नेकेड में तो मतलब काफी अच्छा सा स्टॉक Z900 लग रही है मेरे को ये। हाँ जी, ये Z900 है, 2017 का मॉडल है। कंडीशन देखो, 2017 मॉडल है। हाँ जी, 2017 ये 2017 मॉडल है। हाँ जी भाई, कंडीशन देख रहे हो आप इसकी, एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आवाज भी सुन लो, लगे हाथ। अरे लगे हाथ आवाज भी सुनाई दो यार इनकी तो। अरे भैया ये तो मतलब ये क्या है, ये मतलब ये तो कॉलोनी में ले जाते लोग मारेंगे यार, कि ये तो बहुत ही ज्यादा लाउड है भैया, कोई हाथ भी नहीं लगाने का इस बाइक पे बैठने के बाद। अरे यार आवाज सुन लो, मतलब जो माइक की जो डेंसिटी होगी वो तक फट जाएगी भाई। इनलाइन फोर सिलेंडर की Z900 2017 मॉडल, और सबसे बड़ी बात एरो का जो एग्जॉस्ट भाई ओरिजिनल लगाया ना ये तो, ओरिजिनल एरो भैया। वरना तो देखो कस्टम इतनी आवाज नहीं कर पाते जितने ये आवाज कर रहा है। टायर वायर मतलब सब देखो एकदम ब्रांड न्यू टायर आपको देखने मिल जाए, डेली रजिस्ट्रेशन गाड़ी। सेकंड ओनर है, 14,000 किलोमीटर चली हुई मात्र। सेकंड ओनर 14,000 किलोमीटर चली हुई, बट यार सेकंड ओनर कैसी भी हो मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी की कंडीशन देख के कोई ऐसा कहेगा नहीं कि 2017 मॉडल गाड़ी है ये भाई साहब। मतलब कंडीशन जो होती है ना मेंटेन करने के ऊपर होती है, ऐसी नहीं मेंटेन हो जाती है ये गाड़ियाँ। अगर मतलब इसमें बात करी जाए कि एक्सेसरीज की, तो एक्सेसरीज में मतलब काफी सारी लगी हुई दिख रही है वैसे। एक्सेसरीज में रेडिएटर ग्रिल है, फॉग लैंप है, देखो रेडिएटर ग्रिल यहाँ पे लगी हुई है, फॉग लैंप यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी फिल्टर वाले हैं, फ्लेम स्लाइडर्स हैं, फ्लेम स्लाइडर भी यहाँ पे पीछे को लगे हुए हैं, टेल टाइडी है, टेल टाइडी लगी हुई है, एरो लगा हुआ है। अरे भाई मतलब फुल मतलब आपको यहाँ पे ये मिलेगी एक्सेसरीज के साथ। अब रीडिंग की बात करी जाए मीटर पे तो भैया कितनी चली है ये? ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। एक बार आपको इसका मीटर भी दिखा देता हूँ मैं कि कितनी चली हुई है, कुछ ऐसा करके इसका ट्रिप होता है मीटर। अभी ऑलमोस्ट चल चुकी है 14,242 किलोमीटर। सिम टैंक का चाहिए, पूरा मोबाइल स्टैंड चार्जर सहित वाला लगा हुआ है। तो पूरी की पूरी गाड़ी है, इतना अच्छी कंडीशन में खड़ी है, एबीएस में खड़ी, 2017 मॉडल, 14,000 चली हुई, सेकंड ओनर, डेली रजिस्ट्रेशन के साथ। क्या आस्किंग रखोगे आप इसकी, कितने में दे दें यार? कितने में क्या दे दें, कंडीशन के हिसाब से तो नहीं है ऐसा, कितने में क्या दे दें? मैं तो कह रहा हूँ जितने इसको कंपनी के बनने उतने ही बता दो। चलो फाइनल करते हैं 650,000 में। 650 की डील, वो भी Z900 650,000 रुपए में दोस्तों। अल्टो का जो टॉप मॉडल आ रहा है ना VXI, वो भी समवेयर अराउंड वही पड़ रहा है। उसे ले जाओगे तो कोई नहीं देखेगा भाई, आवाज सुन ले उसकी। अच्छा 650 में भी कुछ गुंजाइश है ऑन टेबल? नहीं हो पाएगा भैया, बेस्ट प्राइस दे दिया है, पूरा मार्केट आप छान लो, 650,000 में आपको Z900 कहीं नहीं मिलेगी। अरे थोड़ा बहुत तो देख ही लियो यार, 500-600 रुपए कोई भी आएगा कस्टमर। भैया बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे देंगे लगे हाथ। अरे यार इस बाइक को लेके ब्लेसिंग भी मिल जाए तो भी तो सही है। मतलब समझ रहे हो, 2017 मॉडल आपको मैंने दिखाई कावासाकी की, पूरी पूरी Z900 बहुत अच्छी कंडीशन में, कोई वारंटी अर्थ गाड़ी में नहीं हुआ है, कोई भी आगे से ले सकता है 650,000 में। ठीक है, दूसरी बाइक की तरफ अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो तारिक भाई कौन सी, 1000 है इसको कहते हैं, निंजा 1000। ये निंजा की 1000 है, टूर के लिए काफी अच्छी बाइक मानी जाती है मेरी बाइक है, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक है ये, इनलाइन फोर सिलेंडर 1000 cc बाइक है। देखो आप गाड़ी की, ये कौन सा मॉडल लेने वाला? ये 2019 मॉडल, DL रजिस्टर्ड है, किलोमीटर देखो आप इसके भाई। मतलब कंडीशन तो मतलब यहाँ पे जगदम्बा सुपर बाइक पर चल क्या रहा है ऐसे कंडीशन के मामले में? 7,699 तो कुछ नहीं चली है यार इन गाड़ियों के लिए, तो 7,999 ये क्या है इनके लिए? कुछ नहीं, 2-2 लाख स्टार्टअप है इनका, ये तो मतलब ऐसे इंजन अभी इनके रमे ही होंगे पर इसमें स्टॉक साइलेंसर लगा हुआ है ना ये। हाँ जी, ये पूरा का पूरा स्टॉक रहने वाली है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, टूरर के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सोचो कि मतलब लॉन्ग राइड मार रहे, एस्टिमेट मत करना स्टॉक एग्जॉस्ट को। अरे यार भाई मतलब इतना सारा बल्क इसमें आ रहा है ना, जो इसका स्टॉक साइलेंसर लगा हुआ है, मतलब इसे सोचेगा आदमी कि मतलब काफी धीरे आवाज होगी, बट जो बेस निकल रही, जो बल्क आ रहा है इसमें, एक अलग ही लेवल पर आ रहा है। अगर नई बाइक की बात करी जाए तो कितनी की पड़ती है इस टाइम? ये 14 लाख रुपए के ऑलमोस्ट है, 14 के समवेयर अराउंड। इसका स्टैंड देखो एक बार, मैं बैठता हूँ यार पब्लिक को दिखाओ। देखो एक चीज जानो कि ये स्पोर्ट्स टूरर में आती है, कोई भी मतलब ये सोचो कि झुक के चलाना पड़ेगा जाके, इसकी अग्रेसिव वो है ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने से जब बंदा इस पे बैठता है ना तो उसके जो हाथ होते हैं वो अपराइट पोजीशन में होते हैं, जो इससे क्या होगा
जैसे आपको लॉन्ग रूट करने हैं, कहीं भी जाना है आपको, उत्तराखंड, राजस्थान कहीं जाना है, तो उसके लिए टूरिंग के लिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे हिसाब से 1000 सीसी के अंदर कावासाकी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे बड़े तो हाइट कम है, जिनको एडवेंचर बाइक अच्छी नहीं लगती, जिनको स्पोर्टी लुक चाहिए, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इंडिया 1000 है भाई। मतलब चीज तो है यार, इनलाइन फोर सिलेंडर होती है ये भी? हाँ जी, इनलाइन फोर सिलेंडर 1000 सीसी, 14 लाख रुपए की ये नई आ रही है। नई आ रही है। अभी ओनर कितने हैं? ये सेकंड ओनर है, डीएल रजिस्टर्ड है। सेकंड ओनर डीएल रजिस्टर्ड, 7000 चली हुई है, समवेयर अराउंड 7700 मान लो इतनी चली हुई है। क्या इसका दाम लग जाएगा भैया? दे देंगे 8,99,000। 8,99,000 रुपए में। कौन सा मॉडल बताया था? 2019 दिल्ली नंबर, 7,699 किलोमीटर चली हुई। 7000 चली हुई गाड़ी, मतलब 14 लाख की नई आ रही है और आपको आधे के हिसाब से आपको रुपए टूट गए 2-3 सालों में, तो भाई इससे ज्यादा क्या लोगे? कंडीशन एक बार आपको पूरी की पूरी दिखा दूं गाड़ी की, तो मतलब डॉटलेस जिसे बोलते ना, ऐसा लगता है कि मतलब पैक ही थी और पन्नी से निकाली और यहाँ पे लाके रख दी। पूरी की पूरी गाड़ी स्टॉक है, कोई भी इस गाड़ी में आपको दिक्कत नहीं मिलेगी भाई। अगर जैसे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे काफी लोगों को ये वो रहता है डाउट कि गाड़ी की सर्विस कैसी हुई है, वीर एंड टीयर क्या है गाड़ी का, तो उसके लेके क्या मतलब क्वेरीज होती हैं कि मतलब कैसे मैं प्रिकॉशन ले सकता हूँ? भैया हम भी लेते हैं तो गाड़ी चेक करके लेते हैं, टेस्ट करके ही लेते हैं। देखो भाई, कोई भी अपना नुकसान नहीं करा जाता कि मतलब ये सोचो कि आप अभी 8-9 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई पागल थोड़ी है। मतलब ये सोचो आप, अरे ये क्या हुआ इसमें, ये एडजस्टेबल होती है इसकी? ये एडजस्टेबल होती है इसमें यार, ये देखो अच्छी चीज है, एडजस्टेबल है, मतलब इसमें अपने अपने हिसाब से जैसी हवा काटना चाहो वैसी काट सकते हो, दोनों दोनों पीछे भी हो जाती है और थोड़ी लेट भी जाती है, सही चीज लगी। देखो मैं वही वाली बात कर रहा था, अगर 8-9 लाख रुपए की कोई बंदा अगर बाइक ले रहा है, जैसे कोई डीलर ले रहा है या कोई मतलब किसी शॉप से ले रहा है, तो 8-9 लाख रुपए भाई ये बड़ा मोटा अमाउंट होता, कोई ऐसे ही नहीं फंसा देता, रुपए चेक करके ही लेगा, साफ सीधी बात है ना। तो वही वाली बात है, कितने की बताई आपने ये? 8,99,000। 8,99,000 की पड़ जाएगी जाकर, ठीक है, वही वाली बात है, मतलब आपके 2-3 साल में भी अच्छे खासे रुपए टूट रहे हैं गाड़ी पर, कोई भी आना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। देखो नंबर आपको वहाँ पे एक तो कोने में मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। अगर अब मैं बात करूँ तो जितने भी टीनेजर हैं, टीनेजर कह लो या मतलब कह लो, जो आजकल जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड बाइक है वो है टेनआर। अब ZX10R की जो बात करी जाती है, तो इसमें ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये काफी लोगों को मतलब अब जो नया वाला जो लोगों के हिसाब से लोगों को सबसे ज़्यादा जो इसकी चीज़ पसंद आती है वो है इसका मीटर। हाँ, इसका जो मीटर, जो फ्लोटिंग मीटर जो कहलाता है इसका, एक बार इसका मीटर भी आपको मैं दिखा दूँ, आप ये चीज़ को नोटिस करना, ये RPM जो है इसका, देखा आपने? एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये मेरा अभी चल नहीं पाया। ये जो फ्लोटिंग वाला RPM है, मतलब ये तो लोगों का मतलब काफ़ी पसंद आता है। अब यार टेनआर की अगर बात करी जाती तो ये मतलब मेरे हिसाब से जितने भी यंगस्टर हैं सबकी पहली पसंद टेनआर रहती है। सुपर बाइक क्लास में सबसे पहली पसंद लोगों की टेनआर ही है, बिकॉज इजी टू मेंटेन रहती है, अच्छी बाइक है भाई, लुक भी अच्छे मिलते हैं, लुक तो आप देख ही सकते हो क्या है लुक, तो मतलब इसके अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। और मतलब कंडीशन और कलर भाई, देखो जगदम्बा सुपर बाइक पे एक चीज मैंने नोटिस करी, जैसे भैया जो बड़े भैया अपनी रील्स बनाते हैं आपने देखा होगा, उनमें कैमरा इतना जस्टिफाइड मेरे हिसाब से नहीं कर पाता, बट जब आप अपनी नेकेड आइज से देखेंगे आगे तो भाई मतलब बाइकों को आपको ये लगेगा कि ये क्या शोरूम मतलब नया है, या ऐसा लगता है कभी कभार तो हार्ली डेविडसन का कोई शोरूम में घुसे या निंजा के शोरूम में घुसे, पता नहीं समझ में नहीं आता क्या है। तो कंडीशन जो रहने वाली है, मेरा मेन मुद्दा कहने का ये है कि मतलब इनकी एक ऐसी कंडीशन रहने वाली है जो आपको देखते ही पागल कर देगी, ठीक है। अब इस बात करी जाए इस टेनआर की, तो टेनआर की क्या मतलब इसकी डिटेल्स रहने वाली है, इसके बारे में तारिक भाई थोड़ा बताओ। भैया 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 13,700 किलोमीटर चली हुई है। 2019 मॉडल फर्स्ट ओनर, देखो फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कितनी चली? 13,700 किलोमीटर। एक बार मीटर पे भी दिखा देते हैं व्यूअर्स को, देखो मीटर तो भाई को भी कुछ ज्यादा मीटर पसंद आ गया इस हमारे भाई। अरे यार मीटर तो इसका है ही लाजवाब, हर किसी को मीटर पसंद आता है। 13,760 के हिसाब से कुछ चली है, ठीक है। अब इस गाड़ी की बात करी जाए तो नई कितने की पड़ती है ये? भैया नई अभी ये जो है 18.5 लाख के अप्रोक्स है। 18 लाख करता है, 18 लाख की, वो भी वेरी करता है ना, वो भी स्टॉक बाइक, स्टॉक बाइक। अब इसमें जो एरो का साउंड सिस्टम पड़ा है ना भाई, एक बार इसको भी आपको मैं सुना देता हूँ, पीछे जाता हूँ तब सुनना। भैया एग्जॉस्ट तो मतलब इन गाड़ियों के ऐसे हैं, क्या यार कंपेयर कर रहा, जितने का एग्जॉस्ट नहीं उतनी तेरी पूरी बाइक है भाई, ठीक है। मतलब देखिए कंपैरिजन भी चलता रहता आपस में इनमें, देखो इन बाइकों को मतलब रेव करना ये अपने आप में मतलब एक खतरा है, जो मतलब सोचो ना ये यंगस्टर होते हैं सुनते हैं कि बड़ी प्लीजिंग आवाज़ लगती है भाई, इनसे लिटरली कान फट जाते हैं। अगर ये कहीं मेरे हिसाब से कहीं छोटी अंडरग्राउंड जगह में कर दिया तो मेरे साथ लेंटर वेंटर ना गिरा दें, बहुत ही मतलब जो होते हैं ना कि क्या कहते हैं लाउड एग्जॉस्ट जिनमें मिलता है, वो इन बाइकों में आपको देखने को मिलता है, जो कि 1000 सीसी की लीटर क्लास बाइक होती है, फोर सिलेंडर के साथ आती है। अगर इस गाड़ी की डील की बात करी जाए,
मॉडल कौन सा बताया था? 2019 मॉडल। 2019 मतलब नेक्स्ट टू न्यू है। 2019 में क्या ही हिला, 13,000 किलोमीटर चली है। कुछ भी नहीं चली भैया। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है, 13,000 किलोमीटर चली हुई है। दिल्ली रजिस्ट्रेशन मॉडल यूके रजिस्टर्ड, यूके, यूके 0 यूके 07 देहरादून रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। अगर बात करी जाए गाड़ी की प्राइसिंग की तो नई कितने की आती है भैया? नई गाड़ी ऑलमोस्ट 1,800-1,850 लाख रुपए की है, स्टॉक गाड़ी। स्टॉक गाड़ी, अब स्टॉक के बाद भी इसमें काफी सारा पैसा लगा हुआ। देखो 2.5 लाख का तो इसका एग्जॉस्ट ही आता मेरे हिसाब से, है ना? 1,25,00,000 रुपए अप्रोक्स स्टॉक, सॉरी। अच्छा, ये फुल सिस्टम है या स्लिप ऑन है भैया? ये डीकैट रिमूव हुआ है इसमें। अच्छा, डीकैट रिमूव करा हुआ है, नीचे जो डोलची होती है वो हटा देते हैं और मतलब फिर आपका एग्जॉस्ट लगाते हैं। आरएनजी के स्लाइडर लगे हुए हैं, आरएनजी के फ्रंट फोक प्रोटेक्टर लगे हुए हैं। हां, यहां पे देखो मतलब ये दिख रहा होगा, यहां पे इससे क्या होता है, इससे शॉकर बचा रहता है आपका। कोई भी मतलब जब इन कंडीशन अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट होता है वो पूरी की पूरी झेल लेती है। यहाँ पे टैंक स्लैपर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। मतलब देखो फीचर से तो लेस है, प्लस पावर भी इस गाड़ी में बहुत सारी देखने को मिलेगी। अब इस गाड़ी की बात करी जाए दाम की, तो दाम इस गाड़ी का क्या रहने वाला है भाई? जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन है तो तारिक भाई मेरे हिसाब से 15 लाख से नीचे क्या ही दोगे? और कम में दे देंगे यार, 15 से कम में दे रहे हो यार। 2019 मॉडल गाड़ी और फर्स्ट ओनर गाड़ी, वो भी ग्रीन कलर एरो के एग्जॉस्ट के साथ, 15 से नीचे? हाँ जी। कितने 13.5-13 की दे दोगे? कितने की? 14.5 कितने की दोगे भैया? दे देंगे 13,99,000 में भाई। 13,99,000, ये थोड़ा बहुत नेगोशिएट होगा इस पे? हाँ जी भैया, ऑन टेबल नेगोशिएट। देखो ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा भाई। मेरे तो ये सोचो 13 लाख रुपए में अगर आप कोई कार लेने जा रहे हो तो शायद उसका टॉप मॉडल आपको ना मिल पाए जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, और आपको एक ऐसा जलजला सा मिल रहा है जो जब आप रोड पे लेकर निकलोगे ना तो मतलब पूरी दुनिया आपकी दीवानी होने वाली है। 13,99,000 रुपए में आपको यहाँ पे टेनर देखने को मिल जाएगी। कहाँ देखने को मिलेगी? सबको पता जगदम्बा सुपर बाइक, नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ये गाड़ी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। कंडीशंस की अगर बात करी जाए तारिक भाई, कंडीशन तो तुम्हें पता ही है यार। बिल्कुल भैया। व्यूअर्स देखो आपको मैं बताऊं, मैं तो आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वीडियो में बहुत अच्छी कंडीशन है। एक बार आप विजिट करो लक्ष्मी नगर, सबसे पास में मतलब मेट्रो स्टेशन पड़ेगा भाई, और गूगल पे डाल लेना वरना कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आके यहाँ पे बाइकों की कंडीशन देखो एक बार, आप खुद समझ जाओगे क्यों जगदम्बा सुपर बाइक का नाम है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों मतलब चलने का कारण है ना तारिक भाई। जो चीज है वो बिकेगी आ रही है, तो है नहीं कोई भी मतलब पैसा दे देता है। पैसा भाई सबको अपना प्यारा होता है, तो मतलब साफ सीधी बात, अगर एक बार पैसा खर्च करो तो अच्छी जगह करो। तो ये कावासाकी की बाइक्स खड़ी हुई थी, तो मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि कैसी बाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ट्रू, वो जो कहते हैं ना ट्रू रियलिटी जगदम्बा सुपर बाइक की, ये है भाई, ये जो खड़ी है यहाँ पे, ब्यूटीज खड़ी है ना ग्रीन कलर की, ये है यहाँ पे जो रियलिटी है। सो इतनी पूरी आज की वीडियो थी। रेट्स आपको भैया जो होंगे वो ऑन टेबल पता ही चल जाएंगे तारिक भाई, और मतलब यही है जो आपको देखा, ठीक है? जो भी आपको उसमें इंटरेस्टेड हो आप यहाँ आके डील क्रैक कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।